दोस्तों, क्या आप जानते हैं आपके स्वास्थ्य जीवन की नींव है? आपके साथ क्या अच्छा होने वाला है और क्या बुरा होने वाला है? आपके भविष्य में क्या होगा? आपके जीवन में आपको क्या प्राप्त होना लिखा है? यह सब कुछ आपकी सांसों पर ही निर्भर होता है। जिस व्यक्ति की सांसें गहरी होती हैं, उस व्यक्ति का ध्यान भी गहरा होगा और ध्यान से जो ऊर्जा प्राप्त होगी वही ऊर्जा आपके जीवन में आपकी इच्छाओं को पूरा करती है। लेकिन जरूरी बात यह है कि आपकी श्वास सूक्ष्म है, आप उसे देख नहीं सकते और आपकी थर्ड आई भी सूक्ष्म है, उसे भी आप देख नहीं सकते, लेकिन दोनों को महसूस कर सकते हो। जबकि आपकी थर्ड आई पर श्वास पहुंचता है तभी आपका ध्यान भी गहरा होता है और यह आपके ऊपर है कि आप ध्यान में श्वास किस प्रकार लेते हो। आप गहरी सांस लेते हो या छोटी सांस लेते हो? आप छोटे बच्चे को देखते ही होंगे, जब वह सांस लेता है तो उसका पेट फूल जाता है, यानी वह गहरी सांस ले रहा होता है और वह खुश रहते हैं, उसके जीवन में कोई चिंता नहीं। ऐसे ही जब हमारी आयु बढ़ती है, जब यह श्वास छोटी हो जाती है और जब यह सांस रुक जाती है तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, यानी जीवन आपकी सांसों के आधार पर है। देखिए, जो आप सांस लेते हो वह नाभि पर जाती है और नाभि हमारे जीवन का आधार है। चिंता, अच्छी ऊर्जा, अच्छी ताकत और निरोगी शरीर पर सब कुछ नाभि पर ही निर्भर होता है और यह ऊर्जा नाभि से उठकर अगर आपकी थर्ड आई पर पहुंच जाती है तो आपका ध्यान गहरा होने लगता है, यानी जो मांगो सो मिलेगा। ब्रह्मांड आपको सब कुछ देना शुरू कर देगा। आपका हर एक श्वास आपके जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। इसलिए हम आपको ऐसी ध्यान विधि बताने जा रहे हैं जो बड़ी ही सरल है। यह आपको ध्यान की गहराई में ले जाएगी। आज हम अपनी सांसों को नाभि पहुंचाएंगे और फिर वहां से ऊर्जा को ऊपर उठाएंगे तो यह ऊर्जा सीधी आपकी थर्ड आई पर पहुंच जाएगी। लेकिन इसका नियम है जो जानना बहुत ही जरूरी है। उससे पहले 15 सांस ले, यह आपकी नाक की मांसपेशियों को एक्टिव करेगी। फिर 35 सांस आप ले जो आपकी नाभि को एक्टिव करेगी, जहां से आपके शरीर में ऊर्जा का निर्माण होगा। उसके बाद हम 45 सांसों का प्रयोग करेंगे। यह 45 सांस हमारी ऊर्जा को नाभिक से उठाकर हमें तीसरी आग पर ले जाएगी और जिस व्यक्ति की ऊर्जा आज्ञा चक्र यानी तीसरे नेत्र पर पहुंच जाती है उस व्यक्ति का ध्यान गहरा होने लगता है। आपने पहले ध्यान किया हो या ना किया हो इस बात से कोई मतलब नहीं, केवल जैसा हम आपको बताएंगे वैसा ही आपको करना है। आप किसी भी अवस्था में इसको कर सकते हो, आप बैठे हो या लेटे हो। केवल आपको ध्यान इस बात पर रखना है कि आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। आप जिस भी अवस्था में हैं, इस वीडियो को सुन रहे हैं, उसी अवस्था में अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लीजिए। अब अपनी दोनों आंखें बंद कर लीजिए और इन शब्दों पर अपना ध्यान लगाइए। साधकों, इस वीडियो के बीच में कुछ ऐसे शब्द बोले जाएंगे जिससे आपकी ध्यान श्वास आपकी नाभि पर जाकर ऊर्जा बनाएगी और फिर वही ऊर्जा आपके आज्ञा चक्र पर पहुंचेगी, जहां से आपका ध्यान गहराई में जाना शुरू होगा। और जो भी अनुभव आपको होता है हमें कमेंट करें। सबसे पहले आप अपनी दोनों आंखें बंद कर ले और बिल्कुल शांत हो जाइए, रिलैक्स हो जाइए, अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ते चले जाए। बंद आंखों से आपको कोई विचार नहीं करना है, जैसा हम बोलते हैं वैसा ही करते जाइए। बिल्कुल शांत हो जाइए, शरीर में कोई भी हलचल ना हो, कोई भी चिंता नहीं। आपके जीवन में बहुत प्रयास किया लेकिन आज का वीडियो आपके जीवन में चमत्कार कर देगा। इस वीडियो का प्रभाव आपको 24 से 48 घंटे के भीतर नजर आएगा। तो आप अपनी आंखें बंद कर दीजिए और एक गहरी सांस अपने भीतर लीजिए। अब एक बार फिर से गहरी सांस अंदर और बाहर लीजिए और इसी स्थिति में सांस लेते रहे और बाहर छोड़ते रहे। अपने शरीर से अपने बाहर को खत्म करने की कोशिश करें। अपने आप को बिल्कुल शांत करें, बिल्कुल शांत। यह महसूस करें कि आपके आसपास कोई भी व्यक्ति नहीं है। आप ध्यान की गहराई में जाओगे, आप अपने शरीर के भीतर जाओगे। आज आप अपने आप को जानने का प्रयास करेंगे। आज आप इस संसार से दूर चले जा रहे हो। आज आपको आनंद का पहला अनुभव होगा। अपने शरीर को बिल्कुल शांत कर दीजिए, किसी तरह का कोई विचार आपके दिमाग में ना आए। अब आप अपने ध्यान को धीरे धीरे अपनी नाक पर ले आइए, जहाँ से आप सांस ले रहे हैं और बाहर छोड़ रहे हैं। आपकी नाक को बंद आंखों से देखने का प्रयास करें। अपने अंदर मन की आंखों से अपनी नाक को देखते रहिए, उसे महसूस करते रहिए और श्वास बाहर आ रहा है। यह छोटा सा बिंदु है आपके भीतर सांस को अंदर बाहर यही कर रहा है। ऐसे ही बने रहिए। आपका दिमाग अब हल्का हो रहा है, आपका शरीर हल्का हो रहा है, आप बिल्कुल शांत हो रहे हैं।
हैं, बिल्कुल शांत होते जा रहे हैं। आपके शरीर का भार खत्म हो रहा है, आपका शरीर शून्य अवस्था में जा रहा है, इसे महसूस कीजिए। अब आप अपने ध्यान को अपने शरीर पर ले आइए, अपने पूरे शरीर को महसूस करें, अपने पेट को महसूस करें, अपनी छाती को महसूस करें, अपने दोनों बाजुओं को महसूस करें, हाथों की उंगलियों को महसूस करें, अपने दोनों पाँव को महसूस करें। इसी तरह अपने पूरे शरीर पर ध्यान बनाए रखें। आपके शरीर का हर अंग आपको महसूस हो रहा है। अपने शरीर को शांत बनाए रखें, बिल्कुल शांत हो जाए। आपको हल्की नींद का अनुभव हो सकता है, हल्का आलस्य का अनुभव हो सकता है, लेकिन जो हो रहा है उसे होने दे। कोई चिंता नहीं, कोई तनाव नहीं, बिल्कुल रिलैक्स। आप गहरी सांस अपने भीतर ले रहे हैं और श्वास बाहर छोड़ रहे हैं। अब एक और गहरी सांस अपने अंदर लीजिए, श्वास को अंदर रोकिए और धीरे से बाहर कीजिए। एक और गहरी सांस अंदर लीजिए, अंदर रोकिए, अब धीरे से बाहर। अब एक गहरी सांस अंदर तुरंत बाहर। एक और गहरी सांस अंदर तुरंत बाहर। अब आप अपने ध्यान को अपनी नाभिक पर ले आइए, अपने पेट के हिस्से को महसूस करें। ऐसा ही अपने पेट पर अपने ध्यान को बनाए रखें। महसूस करें कि जब आप श्वास भीतर ले रहे हैं तो पेट ऊपर की तरफ आ रहा है और श्वास छोड़ते समय पेट अंदर की तरफ जा रहा है। ऐसे ही सांस लेते रहे और सांस छोड़ते रहे। पेट के ऊपर और नीचे जाने की गति पर अपना ध्यान बनाए रखे। सांसों को नाक से लेते रहे और नाभिक पर महसूस करते रहे। आपकी सांस आपके नाक से होते हुए सीधे आपके पेट में जा रही है। ऐसे ही ध्यान में बने रहे, बिल्कुल शांत, कोई चिंता नहीं, कोई तनाव नहीं, केवल शांत, बिल्कुल शांत हो जाए। सांस लेते रहे और सांस बाहर छोड़ते रहे। अपने ध्यान को केवल अपनी सांसों पर ही बनाए रखे। धीरे से सांस अंदर, धीरे से बाहर। आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। अपने ध्यान को अपनी नाभिक पर और सांसों पर बनाए रखें। अपनी नाभिक पर आपको अब कुछ महसूस हो रहा है, शायद कुछ बिंदु की तरह है, कुछ हवा की तरह है, कुछ खिंचाव की तरह है। आपकी नाभिक ऊपर की तरफ उठ रही है। ऐसे ही संसार भी सांस लेते रहे और बाहर छोड़ते रहे। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर बनाए रखे। धीरे से सांस अंदर और धीरे से बाहर। आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। आपके शरीर का हर अंग गायब सा हो रहा है, केवल एक हवा ही आपके शरीर के भीतर जा रही है और बाहर की तरफ आ रही है। एक गहरी सांस अंदर लीजिए, बाहर छोड़िए। अब एक और गहरी सांस अंदर तुरंत बाहर। अब 5 बार गहरी सांस अंदर लीजिए और उसे एकदम से बाहर की तरफ छोड़िए। सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर, फिर से सांस अंदर, सांस बाहर। अब धीरे से सांस अंदर लीजिए और धीरे से सांस बाहर निकालिए। बिल्कुल शांत हो जाइए, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। अब आप बिल्कुल फ्री हो चुके हो। कोई चिंता नहीं, कोई तनाव नहीं, केवल अपनी सांसों की गति को देखते रहिए। केवल उन्हें ही देखना है, जबरदस्ती सांस अंदर बाहर नहीं करना है। केवल शांत हो जाइए, बिल्कुल शांत हो जाइए। पूरे शरीर को ढीला छोड़ते रहे। आपका शरीर ढीला पड़ रहा है, यह शांत हो रहा है। आपका शरीर हल्का हो रहा है, बिल्कुल हल्का, कोई भार नहीं, कोई वजन नहीं। अपने शरीर में हल्कापन महसूस कीजिए। अपने शरीर में लगने वाले ठंडी हवा महसूस कीजिए। अपने शरीर को शांत पर ले जाइए। आपके विचार शांत हैं, आपका मन शांत है, आपके आसपास शांति बनी हुई है, आपके आसपास कोई भी नहीं है, आप अकेले हैं। आप इस संसार से बहुत दूर जा रहे हैं, बहुत दूर। आप बिल्कुल अकेले हो चुके हैं। अब आप अपने ध्यान को अपने सर पर ले जाइए, अपने सर को महसूस करें और धीरे धीरे अपने ध्यान को अपने चेहरे पर ले आइए। अपने चेहरे को महसूस करें, अपने चेहरे को महसूस करते रहे। ऐसे ही केवल गर्दन से ऊपर के हिस्से को अपने ध्यान में महसूस करें। अब केवल अपने सर को ही, चेहरे की को ही महसूस करें। बाकी के शरीर से अपना ध्यान पूरा हटा लीजिए, इसे ढीला छोड़ दीजिए। केवल अपने शरीर के पूरी ऊर्जा आपके सिर से आ चुकी है। आपका सर आपको ध्यान में महसूस हो रहा है। आपको अनुभव हो रहा है कि आप एक हवा के गोले हो। केवल हवा के गोले। आपका सर शांत हो रहा है, आपका दिमाग शांत हो रहा है।
आपके विचार शांत हो रहे हैं, आप बिल्कुल शांत हो रहे हैं, आप बिल्कुल रिलैक्स हो रहे हैं, कोई विचार नहीं, केवल शांत, बिल्कुल शांत। अपनी सांसों पर ध्यान बनाए रखे, सांस लेते रहे और सांस छोड़ते रहे, सांस लेते रहे और सांस छोड़ते रहे, केवल इसे महसूस करते रहे। अपने ध्यान को अब अपने आज्ञा चक्र पर ले आइए, यानी अपने तीसरे नेत्र पर। यह महसूस करें कि जब आप सांस ले रहे हैं तब आपकी तीसरी आंख पर खिंचाव हो रहा, आप सांस ले रहे हैं, तीसरी आंख पर खिंचाव हो रहा है, सांस अंदर जा रहा है, खिंचाव माथे पर हो रहा है। इसे महसूस करते रहे, देख रहे हैं खिंचाव आपके ध्यान को गहरा करता है। इस खिंचाव के भीतर डूबने की कोशिश करें। आपको ध्यान में जो अंधेरा नजर आ रहा है, इस अंधेरे को दूर से देखो, बड़ी दूर से देखो, यह बहुत ज्यादा गहरा है। इस अंधेरे की कोई सीमा नहीं है, आप अंधेरे के बीच में चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है। इस अंधेरे में आगे जाने की कोशिश कीजिए, आगे बढ़ते रहे, आगे बढ़ते जाओ, ऐसे ही अंधेरे में डुबकी लगाए जाइए। यह ध्यान सद रहा है, आपका ध्यान लग रहा है, ध्यान गहरा हो रहा है, आप गहराई में जा रहे हैं, आपके शरीर में ऊर्जा बनना शुरू हो रह चुकी है, आपके आज्ञा चक्र पर खिंचाव पैदा हो रहा है, यह खिंचाव बढ़ता ही जा रहा है, इसी की मदद से आपका ध्यान गहरा हो रहा है। भीतर लेते रहे और सांस बाहर छोड़ते रहे, बिल्कुल शांत हो जाइए, कोई विचार नहीं, कोई तरह का कोई भी तनाव नहीं, अपने शरीर को हल्का छोड़ दीजिए, जो हो रहा है उसे होने दीजिए, केवल अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान ऐसे ही बनाए रखे, अपने ध्यान में ऐसे ही देखते रहे। अब आप धीरे धीरे अपने हाथों को महसूस कीजिए, अपने शरीर में हलचल कीजिए, अब दोनों हाथों को हिलाइए, अपनी आंखों पर दोनों हाथ रखिए और धीरे धीरे आंखें खोल लीजिए। इस तरीके से अगर आप ध्यान करते हो तो यह श्वास आपके जीवन शरीर में ऊर्जा बनाना शुरू कर देगी। जब नाभिक पर ऊर्जा बनती है तो यह ऊर्जा आपके अपने आप ही ध्यान की मदद से ऊपर की तरफ उठती है, यानी आपके तीसरे नेत्र की तरफ जाना शुरू हो जाती है, जहाँ से आपको दिव्य अनुभव आते हैं, ज्ञान के अनुभव आते हैं, ध्यान में गहराई आती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हम अपनी सांसों को रोककर तुरंत चमत्कार का अनुभव कर सकते हैं? यह तो सब जानते हैं कि सांस रुक जाने पर इंसान अपने प्राण त्याग देता है। तो समझने का उद्देश्य यह है कि हमारे प्राण ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है, अगर हम इसको अपने नियंत्रण में कर ले तो आप मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हो। तो अब शरीर में सांस निकलने पर प्राण निकल जाते हैं। सोचिए, अगर हम इन्हीं सांसों का प्रयोग करके इस विधि में महारत हासिल कर ले तो क्या होगा? जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप करे अंत तक पूरा देखना, साथ ही ऐसे और वीडियो देखने के लिए स्टोरी कलेक्शन कहानी को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप सांस को रोक देते हो तो आपको उसके चमत्कार तुरंत देखने को मिलते हैं। सांस यानी हमारे प्राण शक्ति, जिसे हम जिंदा रहते हैं। अगर हम रोजाना सांस को रोकने का अभ्यास करते हैं तो इसके अद्भुत और चमत्कारिक लाभ आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि मरने पर तो यह हमें हमेशा के लिए रुक जाती है, लेकिन जीते जी अगर हम इसको रोक लेते हैं तो वास्तव में आपको इसके चमत्कारिक लाभ देखने को मिलेंगे, क्योंकि यह जो हमारी सांसें हैं इसको कभी भी रेस्ट नहीं मिलता। जब गर्भ में जीव पलता है तब से यह सांसें चलना शुरू हो जाती हैं, और जब जीव की मृत्यु होती है तभी जाकर यह सांसें बंद होती हैं। देखो, जब आप काम कर रहे करते करते थक जाते हो तो आपको आराम करना पड़ता है, आपको रेस्ट चाहिए होता है, तभी आप दोबारा से फ्रेश होते हो। संसार का कोई भी काम हो, सबको रेस्ट चाहिए। मशीन चलती है उसको भी रेस्ट चाहिए, आदमी चलता है उसको भी रेस्ट चाहिए, लेकिन जो हमारी सांसें हैं यह बेचारी 24 घंटे अपने आप बिना थके बिना रुके चलती रहती हैं, तो इसको आराम नहीं मिलता। और जब आपको इसको आराम देते हैं तो यह आपको इतना आशीर्वाद देगी कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन दोस्तों, सांस क्या है और सांस को हम क्या कहेंगे? यह हमारी प्राण ऊर्जा का जीवन की शक्ति भी बोल सकते हैं। तो अगर हम सांस रोक लेते हैं तो सांस को आराम मिलना, यानी कि परमात्मा को आराम मिलता है। वैसे तो सांस
आराम की जरूरत नहीं होती, क्योंकि परमात्मा जब भी जागता है हम सो रहे होते हैं, लेकिन फिर भी जब आप सांस को रोकेंगे तो परमात्मा शक्ति हमारे भीतर है। वह परमात्मा आपके मनचाही वस्तु देते हैं। उस समय पर परमात्मा से आप जो भी मांगेंगे वही मिलता है, लेकिन अच्छी चीज बुरी चीज को नहीं दोस्तों। जैसे ही हम सांस को रोकते हैं तो रोकने पर हम तड़पने लगते हैं, क्योंकि मन ही देवता, मन ही ईश्वर। तो जब मन को तड़पना होती है, बाहर निकलने की छटपटाहट होती है, तो उस समय आप इससे जो भी मांगते हो वह आपको दे देता है। चलिए सांस रोकने के कुछ आपको फायदे बताते हैं और आपको उसे रोकने के दिखाएंगे। 5 मिनट के लिए सांस लेंगे छोड़ेंगे, मतलब सांस लेके लेंगे, रोकेंगे और फिर छोड़ेंगे। ऐसा 5 मिनट का अभ्यास आज हम आपको कराएंगे। तो सबसे पहले आप सांस रोकने के फायदे जान लीजिए। सबसे पहली बात तो सांस रोकने से आपकी उम्र बढ़ती है। यह सांस हमें गिनती की मिलती है, एक ज्यादा ना एक कम। यदि हम इसको दिन रात खर्च कर रहे हैं तो यह खर्च हो रही है। यदि हम प्रतिदिन मान लो 5 मिनट हमने सांस को रोकने का अभ्यास किया है, तो 5 मिनट कम सांस लीजिए, अपने 5 मिनट कम खर्च कीजिए, तो अपनी 5 मिनट की रोज सांस बच जाएगी। 5 मिनट उम्र रोज बढ़ गई, जैसे आपके पास रुपए लाखों में हैं, चाहो तो आप उसको एक दिन में खर्च कर लो, या फिर आपको उसको धीरे धीरे खर्च करो, और अगर ना खर्च करो तो वह बचे रहेंगे। लेकिन सांस ऐसी नहीं है, क्योंकि सांसें नहीं लोगों तो हमारी सांस रुक जाएगी। इसी तरह यदि आप रोज 5 मिनट भी करोगे तो 5 मिनट बढ़ती चली जाएगी, फिर यह मिनट घंटों में बदलती जाएगी और दिन घंटे में बदल कर जाएगी। इसी तरह आप रोज आधा घंटा भी कर सकते हो, और धीरे धीरे इसके दिन में आप जितना मर्जी उतना कर सकते हो। आप सांस को जितना रोकोगे उतना ज़्यादा आपकी उम्र बढ़ती चली जाएगी। यह कैसे बढ़ती है ये भी बताता हूँ। मान लो 1 मिनट में हम 12 से 15 सांस लेते हैं, समझ लो कि यदि आप 12 सांस ले रहे हो तो जिंदगी आपकी सांस थी, जितनी आपकी सांस थी वह कम हो रही है, और सांस 12 की बजाय आप 18 ले रहे हो तो आपकी उम्र घट रही है, क्योंकि आपने अपनी सांस ज़्यादा खर्च कर दी। और 12 की बजाय यदि आप 1 मिनट में 6 ही ले रहे हो तो सांस अपनी आपकी बच रही है। जब आप लंबी और गहरी सांस लेते हो तो उम्र आपकी बढ़ती है, और तो और सांस को रोकने से आलस्य भी दूर भागता है, नींद दूर भागती है। जिन लोगों को नींद ज़्यादा आती है वह यह सांस को रोकने का अभ्यास करे तो उसकी नींद तुरंत दूर हो जाएगी। तीसरा ये है कि जब आप सांस को रोक देते हो तो आपके अंदर ताजगी आ जाती है, आपकी थकावट दूर हो जाती है, आप जो थके हुए थे वह बिल्कुल दोबारा से फ्रेश तरवताजा हो जाते हो। जैसे कि मोबाइल की बैटरी चली जाती है तो आप क्या करते हो, उसे चार्जर में लगाते हो और वह तुरंत चार्जर हो जाता है, इसके अंदर पावर आ जाती है, तो आपके अंदर भी ऐसी ही पावर आ जाएगी, आपका आलस्य दूर हो जाएगा। जैसे मोबाइल का ही उदाहरण ले लो, मोबाइल जब हैंग होने लगता है, बहुत ज़्यादा भर जाता है तो वह हैंग हो जाता है, फिर आप क्या करते हो, सिर्फ 1 मिनट के लिए उसको स्विच ऑफ कर देते हो, यानी उसको रेस्ट दे देते हो। दोबारा ऑन करते ही मोबाइल के सारे फंक्शन काम करने लग जाते हैं। तो ऐसे ही हमारे शरीर में जो हमारे प्राण शक्ति हैं, इसको भी रेस्ट चाहिए। इसको जब रेस्ट दोगे 1 सेकंड के लिए या 1 मिनट के लिए दे दिया, तो आपकी बॉडी के सारे फंक्शन, सारे पार्ट अच्छे से काम करना शुरू कर देते हैं। इस तरह से सांस रोकने से आपके लाभ होता है। चौथा पॉइंट है, यदि आप सांस को प्रतिदिन रोकने का अभ्यास करते हो तो इससे आपकी आध्यात्मिक उन्नति शीघ्र होती है, आप भगवान के करीब पहुँचते हो, क्योंकि जब सांस रोकती है तो परमात्मा की शक्ति हमारे शरीर में जाग जाती है। अभी वह सोई पड़ी है, लेकिन जब आप सांस को रोकेंगे
तो सांस को रोकने से उसके ऊपर दबाव पड़ता है और वह सारी शक्तियाँ रुकती हैं, क्योंकि वह सारी शक्तियाँ जाग जाती हैं, क्योंकि यह जो प्राण शक्ति है यह दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है, इससे बड़ी शक्ति कुछ भी नहीं। तो जब यह अंदर रुकती है ना, वह सारी शक्तियों को जागृती हैं, और जब वह शक्तियाँ जागती हैं तो परमात्मा भी आपके भीतर महसूस होते हैं और परमात्मा भी जाग जाते हैं, यानी कि आप परमात्मा से मिल सकते हो। सांस रोकने के अभ्यास से अगला लाभ हो है कि सांस को जब आप लेते हो और रोक देते हो उस समय यह अपना काम करती हैं, आपके रोम रोम में यह प्राण शक्ति जाती हैं, और जब यह रोम रोम में प्राण शक्ति जाती हैं तो आपकी समस्त बीमारियों को दूर करती हैं। चाहे कोई छोटी बीमारी हो या कोई बड़ी बीमारी हो, तो आप प्रतिदिन यह अभ्यास जरूर करें। जब सांस आपकी रुकी हुई होती है तो आप ध्यान बहुत छोटे से लगाया सकते हो, क्योंकि मन को उस समय आप बाहर ले जाना भी चाहोगे तब नहीं जाएगा। जब सांस रुक जाती है तो यह मन वहीं पर रुक जाता है, क्योंकि मन सांस के साथ होता है। सांस ले रहे हो तो लेते रहो, जब रुक जाती है तो वह भी रुक जाता है, यानी वह मन आपके ठहर जाता है, और ठहरा हुआ मन ही आपका तुरंत ध्यान लगा देता है, क्योंकि मन को ही ठहराना है। अगर मन संसार में जा रहा है, बार बार भाग रहा है, तो आपका ध्यान नहीं लग पाएगा। तो इसलिए यदि आप सांस रोकने का प्रतिदिन अभ्यास करते हैं तो बहुत सारे लाभ देखने को मिलेंगे जो हमने अभी आपको बताया है। तो आप यह प्रतिदिन अभ्यास थोड़ी थोड़ी देर करें, 5 मिनट के लिए ही करें, जैसे आज हम आपको करवाएंगे। तो 5 मिनट अभ्यास करेंगे तो आपकी चमत्कारिक लाभ अभी देखने को मिलेंगे। कोई आदमी अभी थका हुआ हो, किसी को अभी नींद आ रही हो, किसी को आलस्य आ रहा हो, कई लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ तो जाते हैं लेकिन उनको नींद आती है, तो नींद आ रही हो तो यह अभ्यास कर लीजिए, लिया करो, नींद नहीं आएगी, नींद जाएगी। और जब यह मन और प्राण जब एक हो जाता है तो एक होते ही आत्मा परमात्मा समझ एक हो गई, और कभी भी वह पल आ सकता है जब आपको परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं। तो इससे बहुत ही ज़्यादा जबरदस्त लाभ है, और इसे कुंडलिनी शक्ति भी बहुत जल्दी जागृत हैं होती हैं, क्योंकि यह प्राण शक्ति अंदर जाती है और उन सोई हुई शक्तियों को जागृती हैं, और कुंडलिनी शक्ति ऊपर आ जाती है। तो चलिए ये 5 मिनट का अभ्यास करें। 5 मिनट सांस लेंगे और छोड़ेंगे, हम आपके साथ साथ करते रहेंगे। जब आप सीधे बैठ जाइए, गर्दन सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी, सांस भरो और रोको और छोड़ते जल्दी देर सांस रोक सकते हो, आराम से उससे उतनी देर रोकने की रोकते हैं, 10 सेकंड, 15 सेकंड, सब रोक लेते हैं, ज़्यादा कोई नहीं रोक सकता, तो रोक लो, अन्यथा जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। सांस लंबी रोके और सांस लंबी छोड़े, आप भी करो। जब सांस लंबी है तो महसूस करें अंदर क्या हो रहा है, उसे सुनने का प्रयास करें। जब सांस रुकने पर जो होता है, और जब सांस रुकती है तो उस समय आपके रोम रोम में समा जाती है, क्योंकि जब सांस रोक देते हैं तो आपके जीवन भी रोम छिद्र हैं, अब सब भी उन सब में शक्ति जाती है और उनका कार्य करती हैं, अंग अंग आपका खुल जाता है। लगातार हम सांस को लंबी ले और रोके और छोड़ दें, 2.5 मिनट हो गए। जब कभी कोई भी काम करते करते थक जाए तो सांस से जुड़ते ही जो एनर्जी आ जाती है, लेकिन और ज़्यादा फायदा चाहिए तो सांस को रोको छोड़ो 11 बार कर लो, 20 बार कर लो, सांस लंबी लो और लंबी ही रोकिए और फिर लंबी छोड़ दो। जब लंबी सांस रुकी हुई हो उस समय महसूस करें कि आपके अंदर से क्या हो रहा है, क्योंकि इसे साइलेंट में ही जानना है।
हमारा शरीर का कोई भी अंग नहीं हिलता है। लगातार करते रहो, 5 मिनट हो चुके हैं। अब देखो 1 मिनट में आप सांस ले रहे हैं। अब मुझे लगता है कि उस 1 मिनट में आपकी 4 ही सांस ली रही होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 5 ले ली होगी। तो हर मिनट में आपकी 5-6 सांसें बच रही हैं, यानी कि हर 6-7 बार आपके देखो कितनी सांस बच जाएगी, कितनी उम्र बढ़ेगी। अब 5 मिनट हो गए हैं, रिलैक्स हो जाइए। वो सच बता रहे हैं, हमें तो इतना लग रहा है कि इतना अच्छा लग रहा है कि जैसे बिल्कुल ताजगी आ गई है अंदर शरीर में, पूरे थकान टेंशन सब दूर हो गए। जब हम भी बहुत ज़्यादा किसी दिन बिजी हो जाते हैं तो सांसों से जुड़ी ही प्रसन्नता मिलती है, सारी थकावट दूर हो जाती है। लेकिन और ज़्यादा हम एनर्जी चाहिए तो हम सांसों को रोकने का अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। आप हमें सच बताना, यदि कमेंट करके कि आपको कैसा लगा, आनंद या नहीं, नींद भागी या नहीं, आले से दूर हुआ या नहीं हुआ, और आपको कैसा महसूस हुआ है, क्योंकि इसका एक लाभ नहीं है, इसके लाभ बहुत बहुत ज़्यादा हैं। यह तो थोड़े से लाभ हमने बताए, पूरे बताए भी नहीं। अभी तो आपने 5 मिनट सांस रोकने का अभ्यास किया। यदि आप नॉर्मल सांसों का ध्यान करना चाहते हो तो करते रहो, हम आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे। लेकिन आप अपने आप सांसों का ध्यान करते रहे। बाकी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलता हूँ आपको बहुत ही जल्द एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।